Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to Ashok Kadak Reaction. मैं मोहम्मद शावीस. मोहम्मद इनायत. मैं हूं सैयद फरहान अली. इनके बारे में आप ये खुद बताए, आप बताओगे? ये खुद बताएंगे सबसे पहले, तो इसके बारे में बताऊंगा. आप अपने बारे में कुछ बताएं. जी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ आपके सामने आने का, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इनायत को पर्सनली 5-6 साल से जानता हूँ एंड शावीस तो आप तो सब जानते हैं, ये तो फेमस हैं बैंगलोर में. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो वी आर गोइंग टू गिव अ रिएक्शन टुडे, लेट्स सी हाउ इट गोज. आप भी शायद पहली बार सुन रहे हैं इसको, है ना? इसका नाम है शबे हिज्र, वो दम बदम याद आए भाई उस्ताद फरीद अयाज खान. फरीद अयाज खान को हमने इसमें देखा था ना, शिकवा जवाब शिकवा कोक स्टूडियो में. सो उस्ताद रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब. शिट, आई टोल्ड करेक्ट, कड़क रिएक्शन. कोई बात नहीं, होता है. इट्स चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन जी. ओके, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल रिंग कीजिए. फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. लेट्स स्टार्ट. ये इनका सजेशन था जी, सो देखने के बाद हमें पता चल जाएगा. यूनिक सी टोपी है उनकी, हमेशा वही टोपी पहनते हैं. पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, बीच में
मेरे वाले साहब तबला हुआ करते थे, एक तरफ मंसूर अहमद नियाजी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे मामू थे, उनके वालिद मामा, एक तरफ बहाउद्दीन साहब तबला जो मेरे चचा थे, एक तरफ इफ्तिखार साहब जो मेरे ससुर थे, ये तमाम एक बेहतरीन गुलदस्ता था। तो जिस वक्त ये मिसरा यहाँ पर आता था तो उस वक्त हमारे मामू की तान आती थी। क्या बात है, ये वाली है क्या? उनके वालिद साहब, वो तान उनकी मैं भी नहीं निकाल सकता, बाजे में सुना रहा हूँ, बहुत बेहतरीन आवाज। शबे हिजर वो, वालिद साहब हमारी छोटी आवाज में बोलते थे, शबे हिजर वो दम बदम, मिमिक कर रहे हैं फादर, शबे हिजर वो दम बदम याद आए। तो यहाँ पर मंसूर साहब की तान, म्यूजिक के साथ कहीं और किसी और दुनिया को ट्रैवल कर ले।
तेरे सितम भी बदल दे गया कुछ 10 मिनट का था क्या ये पता ही नहीं चला 14 मिनट्स था 15 मिनट्स था नहीं दिस इज नॉट 10 मिनट्स था दिस इज द वन 9 मिनट्स नहीं फॉरमोस्ट 10 सेकंड्स क्यों चला गया वो तो ये बेसिकली एक सूफियाना काइंड ऑफ अ कलाम था जहां पे एक इंसान अपने रब को याद करके एक अल्लाह के लिए कि अगर कोई भी सितम या फिर कोई मुश्किलात आते हैं तो पहले अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं चाहने वाले उनके ऊपर ये बीतता है तो उस हिसाब से इन्होंने पढ़ा था लिखने वाले ने भी इसी हिसाब से लिखा है इसी अंदाज़ में लिखा है ताकि जो फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है कोई अपने दोस्त के लिए भी ऐसे बोल सकता है शबे हिज्र शबे हिज्र इज़ द नाइट ऑफ सेपरेशन जब एक बंदा सेपरेट होता है आपका बिलवड बिलवड जब आपसे दूर होता है तो उसको शबे हिज्र दम बदम याद आए याद आती है आपको तो वो आपका दोस्त भी हो सकता है आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है आपके वालिदैन हो सकते हैं और जो कुछ सूफी लोग रहते हैं उनके लिए खुदा होता है तो एक बिलवड है तो इसके लिए इन्होंने कलाम लिखा है और मुझे बहुत पसंद आया आपको कैसे लगा आपका रिएक्शन क्या है इसके बारे में आपका ख्याल क्या है आप यार कलाम तो बहुत अच्छा था आई नो आई थिंक आपने मुझे ये भेजा था ना व्हाट्सएप में कि हम लोग ये करेंगे ही इज़ अ वेरी गुड तब मैंने उसको देखा था कल ही भेजा था हाँ और उस वक्त मेरा दिमाग चैनल पे अटका हुआ था कि ओके सो मैंने उसको उतना यू नो सीरियस नहीं लिया अभी आई हैव हर्ड दिस एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल अनदर थिंग इज ये सूट बूट में बैठे हैं तो आप हम लोग यहाँ पर टी शर्ट में बैठे हैं तो एक्चुअली मेरा आज जॉब था डायरेक्ट मैं ऑफिस से आ गया उनको पकड़ के बिठा दिया इनायत और शाविस के लिए इन लोगों ने बोला चलो आपके साथ आज कुछ हो जाए तो वी जस्ट हाँ द पीपल विल बी थिंकिंग कि क्या यार ये रेडी गडी होके बैठे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल कुछ अपीयरेंस ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसे ही नॉर्मली ऑफिस से आ गया बैठ गया बस हो गया We would like to know more about this kalam from you. Aur kuch zyada. Agar if you want some time to recall, it's okay. Shaviz will speak and then you can come back. Definitely. Agar is kalam ke baare mein agar aap dekhen, to ye maine us waqt suna tha. Ittefaq se main apne dost ko Canada ko drop karne ke liye ja raha tha on the way. Okay. International airport ja raha tha. To on the way usne play kar diya. Wahi car chala raha tha. To shabe hijr wo dam badam yaad aaye. वो मेरा बहुत ही चहीता दोस्त था एक्चुअली तो वो सेपरेट हो रहा था मुझसे तो इट वाज लाइक यू नो हार्ट टचिंग एंड हार्ट रेंचिंग काइंड ऑफ अ कलाम एंड मैं सुन के उस वक्त मेरे आंखों से आंसू आ गए तो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशंस तो तब जाके मुझे इसका असल माना भी समझ में आया क्योंकि जिस वक्त वो सेपरेट हो रहा था मुझसे उसके सारे मुझे मतलब क्या कहते हैं वो टॉर्चर भी देता था टॉर्चर मतलब ऐसे ही दोस्तों को मारते हैं सताते हैं तो है ना ये सब मोहब्बत में होता रहता है आगे पीछे तो उस हिसाब के मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से अगर मैंने सुना वो कलाम तो ये बिल्कुल ही रिलेटेबल था मेरे लिए तो मोमेंट उस हिसाब से तो दिस वाज लाइक यू नो आई कुड रिलेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सॉन्ग पार्ट ऑफ द कलाम and I started empathizing it and started to listen
एंड वहीं से मेरा पहला कलाम मैंने इनका सुना था, बाद में बहुत सारे कलाम इनके सुने। काफ़ी सारे कलाम इनके मारिफत के ऊपर होते हैं। मारिफत इज़ बेसिकली इट्स डेप्थ इनटू इस्लाम। मारिफत एक बेसिकली एक स्टडी रहता है जहाँ पे एक इंसान एक शरीयत में अपने अमाल और नेक अमाल के ज़रिए आगे बढ़ के कुछ एक अलग ही दुनिया में पहुँचता है जहाँ पे उसको हकीकत दिखाई देने लगती है। जब वो हकीकत को देखता है तो वो मटेरियल चीज़ों को इतना क्या कहते हैं उसको उतना डेस्परेट नहीं रहता मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। तो उस अंदाज में जब ये भी जो राइटर्स जिसने भी ये लिखा है कलाम, ये भी एक मारिफत के आला दर्जे के मुकाम में पहुँचे हुए लोग हैं जो अल्लाह के लिए लिखते हैं। और इन्हीं गानों को इन्हीं कलामों को हमारे बॉलीवुड और दूसरे लोग उसको कॉपी करके एक महबूब के लिए बना देते हैं। तो बेसिकली ऐसा रहता है, असल महबूब हकीकी महबूब तो वही है खुदा है, हाँ। तो उसके अलावा जो भी बनाते हैं सॉन्ग, आई थिंक मजाजी महबूब और यू कैन से टेम्पररी महबूब है, बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज़ द लव फॉर खुदा। और अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान लेता है, जब भी हमें मतलब इम्तिहान से गुजरते हैं तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस गाने से हमें ये पता चलता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, उसी को आप तकलीफ़ देना चाहोगे। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो अपने वालिदैन को भी आप थोड़ा मोहब्बत तो करते हैं, मगर वो आप मोहब्बत दिखाते नहीं। कैसे करते हैं, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस द फीलिंग। या तो आप कभी कभी वालिदैन से भी नाराज़गी से बात कर लेते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं रहता, आपके वालिदैन भी आपसे गुस्से में चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उनका भी ये मतलब नहीं रहता। जब आपको बच्चे को मारते हैं वालिदैन, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि दे हेट यू, इट्स देयर लव। और वालिदैन से ज़्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है। इसी तरीके से अल्लाह जब आप पर मुश्किलें डालता है, किसी हिसाब से हो मुश्किलें, तो जब आप पर इम्तिहान आपका होता है, तो आपको समझना चाहिए कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इसके लिए आपका टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। हाँ, तो इस कलाम से हमें ये सीखने को मिला। और चंद अल्फाज आपने मुझे कहने के लिए कहा तो ये मैंने कहा, और आपके अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, परसेप्शंस हैं, आई वुड लाइक टू लाइक यू नो अंडरस्टैंड, यू नो आपके सामने बैठ के हम लोग क्या बोले। सो बेसिकली क्या हुआ कि दिस वाज अवर रिएक्शन, उन्होंने हमें रिएक्शन कराया हमारे से, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी ये देख चुके हैं, ऑलरेडी ये देख चुके थे, उनको यू नो सुना भी है इन्होंने। सो हम लोग चाहते थे कि ये बैठ के उस बारे में वो बात करें, और कि उसके सामने हम लोग क्या बात करें, हमारी क्या मजा ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर भी इफ यू हैव एनी परसेप्शन, कुछ ना कुछ तो आपके टेक आउट्स हुए हैं इसमें, स्टार्ट ना। हाँ, इसमें क्या है कि शबे हिजर, मैंने तो जब सोचा था इसमें क्या था कि महबूब के बारे में ही मुझे, बिकॉज आवर माइंड्स आर प्रोग्राम्ड दैट वे, कि व्हेनेवर वी लिसन टू सच सॉन्ग्स तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ दैट, कि और कभी कभी मुझे खुदा भी याद आया कि जब कभी वो नया जुल्म ऐजाद किया करता है तो वो ना मुझे याद किया, मतलब ऐसा मुझे याद किया करता है। तो ये जो सोच है कि नया जुल्म ऐजाद किया करता है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर वो आजमाऊंगा, जुल्म को वो इस बंदे के ऊपर आजमाऊंगा। एंड आई थिंक के जब भी वो जुल्म ऐजाद करता है, जुल्म का भी अल्लाह जुल्म करना भी एक बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि जुल्म करने से हो क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा नहीं हमारे पास, हम अल्लाह के और करीब आएंगे। तो जुल्म का मेरे लिए डेफिनेशन ये है कि इट्स समथिंग यू समथिंग गॉड डिजाइंस एंड यू नो इम्प्लीमेंट्स इन अवर लाइफ सो दैट वी कैन कम क्लोज टू हिम। आई थिंक हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट कर्स मुझे लगता है, क्योंकि हैप्पीनेस कहीं ना कहीं हमें खुदा से दूर ले जाती है, कहीं ना कहीं हम सोचें तो कभी ना शुक्रियापना जो होता है वो आता है हमारे पास। तो वो मुझे एक टेक आउट हुआ है यहाँ पे, दैट्स वन थिंग व्हिच आई अंडरस्टूड, शायद रिलेवेंट था, नहीं पता पता नहीं। बिल्कुल ये जो आप कह रहे हो कि द हैप्पीनेस जो एक कर्स है, और ये जो नो अल्लाह का जुल्म जो है वो है ना, तो लोग ऐसे भी हैं जो कि वो जुल्म में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वही कलाम में भी यही था, अगर अल्लाह आप पे जुल्म कर रहा है और आपको पता है कि आपका टेस्ट है, तो उस जुल्म में भी आप खुशी ढूंढ लेते हो। एग्जाम्पल इज हम लोग, हमारे साथ जो एक दिन पहले हुआ, हम लोगों ने उसमें भी खुशी ढूंढ ली और हम लोगों ने एक नई शुरुआत कर, ट्रेजेडी थी वो। हाँ जी जी जी, सो आई थिंक वैसा है। और ये खुशी के बारे में आई थिंक क्या एग्जैक्टली आपने जो कहा कि द कर्स, ये एग्जैक्टली है ना, शुक्रिया पना, नमाजें नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, मैं पना आ जाता है लोगों में,
दूर हो जाते हैं लोगों का, यू नो, कुफ्र ज्यादा हो जाता है. आई एग्री विद दैट. सो या अ फाइनल वर्ड फ्रॉम हिम. आई एम सो सॉरी, ये माइक का थोड़ा सा पंगा है, मुझे पता नहीं कितनी देर क्या रिकॉर्ड करेगा, इसलिए मैं इसको टर्न कर रहा हूँ जो बात करने के पास. या प्लीज गो एट फाइनल वर्ड फ्रॉम यू अबाउट दिस कलाम. मेरी तरफ से ना, आपकी तरफ से एक फाइनल वर्ड, एक क्लोजिंग आपकी तरफ से. अच्छा, तो मेरी तरफ से मैंने तो सब जो मेरे जहन में चल रहा था मैंने आपको बता दिया. अगर आपको पसंद आया हो कलाम तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता दीजिएगा. एंड फरीद अयाज के बहुत सारे कलाम हैं, आप चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं. हमारे शाविज भाई और इनायत भाई यहाँ पे ऑलवेज दे आर हियर टू गिव अ रिएक्शन. एंड क्या कहते हैं, ये बहुत रॉ था नहीं है, आई थिंक ये इंटेंस, मतलब कि कोई इंटेंशनली रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया, नहीं किया गया, एक चल रहा था, एक महफिल थी उसमें किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, उसमें उन्होंने कर लिया. एंड बिकॉज कैमरा वर्क भी उसी तरीके का था और वो उनके ड्रेसिंग सेंस भी वगैरह वैसे ही थे. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक क्या प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, नहीं द प्रैक्टिस, वो आई थिंक उस टाइम का ये वीडियो दिख रहा था, बहुत रॉ था. एंड आई थिंक वही इस वीडियो को बहुत ब्यूटीफुल बनाता भी, बिकॉज बहुत रॉ इमोशंस थे, लोग भी बहुत रॉ थे, यू नो, दे आर हैविंग अ फन. और बीच बीच में उनसे अगर गलती हो रही भी होती है तो फरीद अयाज ने बहुत उसको अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया. अगर आपने देखा होगा वीडियो बीच में उन्होंने आवाज ऊपर की और उन्होंने एकदम, हम एक्चुअली भूल गए कि वहां पे गलती हुई थी, बल्कि उन्होंने उस तरह संभाल लिया. एग्जैक्टली, वो एक 10 सेकंड के बाद पता चला हमें कि वो एक्चुअली गलती हुई, तभी हमें नहीं पता चला. बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और उन्होंने एकदम वो चुप हो गए और फरियास आपको देख रहे थे, तब पता चला कि वो गलती हुई है यहाँ पर. जी, और द मिमिक्री हिडन, उनके वालिद और उनके जितने भी रिलेटिव्स के बारे में तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं, हमें सुना भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे आई थिंक वो फील हुआ कि या एग्जैक्टली उन्होंने पहले ट्राई किया, उन्होंने वो जो रतान थी उन्होंने ही ट्राइड, बट वहां पे क्या हुआ कि जब ऊपर के सुर थे 5-6 फुट एकदम से फ्लैट, उनकी आवाज निकली नहीं. शायद वो पान के बहुत शौकीन है शायद फैदा ऐसा, बिल्कुल, इसीलिए क्या हुआ कि वो आवाज वहां पे पहुंची नहीं. फिर उन्होंने बाजे में बजाया, उन्होंने बाजे में ठीक बह आया और मुझे एक्चुअली इमेजिन कर पाया मैं एक्चुअली वो आवाज को. और वहाँ जितने लोग बैठे थे नहीं, वो सब एकदम हैरान हो गए थे. तो एक यू नो हम लोग सोच सकते हैं कि वो एग्जैक्ट वहाँ पर जा रहे थे, वो सब दे रहे थे, वो हिंट दे रहे थे. यस यस. और उनके वालिद साहब की भी जो आवाज़ है, जो उन्होंने कहा कोयल की तरह, बहुत ही मैंने सुनी है, सुनी उनकी आवाज़. हाँ, जो पीछे फोटो थी वो किसकी थी? नहीं, उनके वालिद की तो नहीं हो सकती, शायद उनके कोई पीर या बुजुर्ग की होगी. सो yeah, so we will get a closing. yeah, this was our reaction on Shabe Hijr. okay, बहुत अच्छा कलाम था, शुक्रिया आपका, आपने हमें इंट्रोड्यूस किया इसे. एंड फरीद साहब का ये आई थिंक दूसरा कलाम है हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं. नहीं, एंड आई थिंक इनके और जो अबू मोहम्मद साहब, इनके जो पार्टनर हैं, इनके भाई हैं, इनके भाई हैं, उनके बारे में बहुत सारे आते हैं सेशन कमेंट बॉक्स में हमारे, you know, old comment box में बहुत आते थे. अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या suggest करेंगे. अब तो पूरा इस comment box में, इस channel के comment box में जो चलेगा वही reaction होगा. Okay, so yeah, this was our reaction on Shabe Hijr, वो दम बदम याद आए भाई उस्ताद फरीद अयाज साहब. Okay, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. आई थिंक आप लोगों ने यू नो आप समझ गए होंगे कि हम लोग इनको क्यों लेकर आए थे और आई थिंक आप लोग पसंद भी करेंगे इनको. या अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप आए तो आप इनको नो रिक्वेस्ट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में, देखेंगे. इंस्टाग्राम पे स्पैम मार सकते हो, डालेंगे आईडी. हाँ, डाल देंगे. हाँ, आप रिक्वेस्ट करो या आ जाएंगे फिर से. ओके, सो दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन शबे हिजर. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाविज, मोहम्मद इनायत, सैयद फरहान अली साइनिंग ऑफ.